हेलो, वेलकम टू द वंटा वंटा शो। तो जैसे पिछला एपिसोड था बच्चे टॉडलर्स इन द शादी, ये वाला एपिसोड हम गए प्री शादी। मस्त प्लानिंग। हमारा ये एपिसोड है फूड टेस्टिंग पे, और हो क्या रहा है ये फूड टेस्टिंग में जिंदगी में। तो हमने सोचा कि आपके साथ बात कर ले। तो बंटा है, हाय बोलो पब्लिक को। नमस्कार। मुझे लगता है ये फूड टेस्टिंग नहीं है, इसका सब्जेक्ट होना चाहिए ईगो टेस्टिंग। क्योंकि एक एक डिश और उसका टेस्ट, गरम ठंडा है कि नहीं, जो वेडिंग अटेंड किया था उससे बेटर है कि नहीं, ये सारी चीजें ये फूड टेस्टिंग में आ जाते हैं। और फूड टेस्टिंग देखो में दोस्तों, जैसे किसी की शादी होगी तो ब्राइड और ग्रूम तो जाएंगे जाएंगे ना, पर वो अकेले नहीं जाते हैं। मेरे को जाना पड़ेगा, उनके साथ चाचा चाची मामा मामी, कभी कभी जो पूरी दादी फॉर्म चल नहीं सकती वो भी जाती है। आई हैव टू सीन सिनेरियोस जहां लोग अपने पड़ोसियों को उठा के ले जा रहे। करेक्ट, क्योंकि तुम उनका भी पूछ रहे पॉइंट हो ऑफ फूड व्यू है। टेस्टिंग? इंडिया में हाँ, सबका तुम पूछ पॉइंट ऑफ रहे व्यू हो है फूड ब्रो। टेस्टिंग? अच्छा, हाँ देख इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रही है। देख, मतलब हाँ मैंने कुछ फैमिलीज को देखा है, ये मेरी फैमिली ने ऑफ कोर्स नहीं किया, बट आई नो या बिकॉज आई वाज वन ऑफ द इनवाइटीज टू सच काइंड ऑफ अ टेस्टिंग। करेक्ट। तो हाँ उसका ऑब्जेक्टिव क्या था वो बहुत मेरे को डीप लगा और डार्क भी लगा। ओके। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इन लोगों ने क्या किया था? देखो, हाँ इमीडिएट फैमिली वालों को बुलाओगे तो ये होगा कि हाँ ठीक है, फैमिली का ओपिनियन सबको अच्छा लगा, हाँ ठीक है, बट उसमें क्या है कि तुम्हारी फैमिली खुश हो रही है। करेक्ट। अब लेकिन पड़ोसी को तुमने फैक्टर इन नहीं किया, तुम्हारे सर फ्रेंड हाँ सर्कल को फैक्टर इन नहीं किया। तो ये फैमिली ने होशियारी से क्या किया था, हर एक अपना जो सोशल सर्कल है ना, उधर से एक रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया था, कह दो कि ये झूठ है। और उधर उधर गेम अभी अलग है। उधर लोग खाना खा रहे हैं और जैसे लाइक यू राइटली सेड, ये बरोबर है ये बरोबर नहीं, लेकिन कट ऑफ क्राइटेरिया क्या है मालूम है पब्लिक का, मतलब फिल्टरेशन क्राइटेरिया। आई वॉज सो सरप्राइज दैट मोस्ट ऑफ द नॉन फैमिली मेंबर्स हु हैड बीन इनवाइटेड टू द टेस्टिंग, इंक्लूडिंग मी, शेमलेसली वॉज गोइंग एंड आस्किंग। एक तो बहुत शेमलेसली खाया, खाना खाया, करेक्ट, तो और वो फोकट है ना। शेमलेसली हाँ, और फिर वो शेमलेसली खाना खाने के बाद शेमलेसली पब्लिक पूछ रहा है कि पर प्लेट का भाव क्या है। उस समय मुझे भी अच्छा नहीं धन्यवाद लगा। धन्यवाद। अच्छा, करेक्ट उधर अभी जजमेंट हो रहा है कि भाई ये फैमिली जिसने इतने प्यार से हमें बुलाया था फूड, अभी उनको जज किया जा रहा है कि ये 350 की प्लेट है, करेक्ट। 700 की या 1000 की है। अगर हाँ 1000 की तो दे ऑल्सो फील वेरी एलेटेड, उनको लगता है अरे साला कि हमको मान मतलब दिया। हम लोग को जो मान जो दिया है इन्होंने, इतना हाँ, महंगा 1000 पर प्लेट में हमको बुलाया हमको बोला, ना। और साढ़े हम तीन और हम यही यही लोगों का मुंह देखना चाहिए जब जब ढाई जब सौ और साढ़े प्लेट। तीन सौ का प्लेट हाँ, रहता सेम सिनारियो सेम है, बट अभी क्या करेक्ट। इमीडिएट, एंड परहैप्स द फनी पार्ट इज साला 350 वाली प्लेट परहैप्स माइट हैव यू नो माइट बी मोर टेस्टी देन द 1000 रुपी प्लेट। करेक्ट, पर मेरे को उसी हिसाब से फीडबैक भी चलता है ना, क्योंकि अगर 1000 की प्लेट होगी ना तो 1000 के प्लेट में फीडबैक ज्यादा मिलता है, क्योंकि जेन्युइन फीडबैक है, क्योंकि 1000 का प्लेट है। 250 350 का प्लेट में फीडबैक तो मिलेगा, पर उसमें क्या है, एक जेनरिक फीडबैक है कि खाना जेनरिक कैसा करेक्ट। लगा, अच्छा ही था, मतलब ठीक ही अच्छा, था, ठीक ही था। मतलब उसमें बोल नहीं सकते कि कुड हैव बीन बेटर, वो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि उनको भी पता हाँ है कि 250 की प्लेट है। अगर 1000 की है ना, तो उसमें मिनिमम फीडबैक देना चाहिए, क्योंकि उसमें फीडबैक क्या होता है, फिर उसमें एक फीडबैक किस लेवल पे जा रहा है, मतलब बनता है वो सब्जी पे नहीं जाता है, फिर वो जाता है डायरेक्ट डेजर्ट पे, कि उसमें हाँ हाँ उसमें क्या हम लोग काला जामुन ऐड कर सकते हैं क्या। हाँ हाँ अरे अभी अभी इनको वो मास्टर शेफ वाली डिशेस चाहिए इनको 1000 रुपए के हाँ प्लेट पे, ठीक करेक्ट है। करेक्ट। वो मतलब वो अभी 1000 के इसमें सिर्फ हाँ दो ही टेस्ट है, मुझे करेक्ट। गनाश चाहिए, मुझे पनाश चाहिए, अरे ये सब हाँ सब रिक्वायरमेंट्स आना चालू। अरे उधर तो अभी कोई पेन पेपर पे लिख भी रहा है एग्जैक्टली। इटालियन और में दो दो की जगह चार चाहिए डिश। मुझे अभी याद आया, तुझे ये बोला मास्टर शेफ ना, अरे वो लोग ये सब देख रहे हैं ना आजकल, इंडियन मास्टर शेफ हो गया, ऑस्ट्रेलियन, सब चल रहा है इंडिया में बराबर। मैंने देखा है एक बार कि वो लोग जो फूड टेस्टिंग कर रहे हैं ना, वो मास्टर शेफ जैसा कर रहे रे। अरे मतलब सामने थाली है, थाली है रे बेसिक, पर वो अभी कैसे हम लोग खा रहे हैं, ये मास्टर शेफ की आग बन बन करके ऐसा चबा चबा के देख रहे हैं। मैंने बोला भाई साहब, मतलब शादी का फूड टेस्टिंग है रे ये, शादी में भी नहीं है ये, प्री हाँ, है शादी में भी प्री, नहीं है, प्री शादी है। वो उसी में उनका चल रहा है गेम, वो अलग ही आइडिया। फिर ऐसा
है ना, थोड़ा ना इसमें थोड़ा सा नमक ज्यादा चाहिए, फिर किसको बोलेंगे ये जब बगल में बैठा है क्योंकि। और अरे मेरे को इससे जस्ट लिटरली मेरे को याद आया यार, मेरे टेस्टिंग का सिनेरियो, उसमें हमने टेबल पे जो बैठा है और खा रहा है उसको तो कवर कर लिया, लेकिन यार केटरिंग वाले भी एकदम सवासेर होते हैं बॉस। अच्छा ये केटरिंग वाले ने क्या गेम किया मालूम है क्या? अब उसका कोई डिश होगा जो उसको निकाल, करेक्ट, उसका उसने सामान लाके रखा है, सुन अभी क्या हुआ। उसने पिछले शादी में किसी ने कुछ बनवाया था स्पेशल आइटम, चल कुछ रोल रहेगा या कुछ रहेगा, आई डोंट नो, कैन बी एनी डिश, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो उसका सामान रह गया अभी बराबर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि वो सामान खपे अभी, करेक्ट, शादी में टू सेल इट ना, ही हैज टू सेल इट बेसिकली, करेक्ट, उसको खपाने का है, करेक्ट। ये आदमी तुमने बोला नहीं उसको, तुमने उसको नॉर्मल 1000 रुपए की डिश में या 700 रुपए की डिश में तुमने 10 आइटम बोले थे, 10 या 12 आइटम, करेक्ट, खपाने के लिए ये ऐसा स्पेशल बोलते ना, वो ऐसा स्टाइल में आ गया ना, पूरा प्रेजेंट भी करता है ऐसा, मतलब प्रेजेंट करेगा फिर बोलेगा ये हमारा खासियत है, हमारे शेफ स्पेशली आपके लिए बनाया है, आपके लिए बनाया है। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। केटर वाले कितने स्मार्ट रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, मेरे को याद है कि समझो अगर तुमने उनको एक फीडबैक दिया है, ठीक है, दिस इज फ्रॉम द फैमिली हु इज गेटिंग मैरिड, उनसे फीडबैक मिला है और वो फीडबैक मैंने एक मतलब बेसिकली एक फ्लॉ निकाला है उन्होंने, ठीक है, खाने में। ये लोग क्या शाणे करते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, तेरे नेबर्स को पूछने जाते हैं फिर, अरे तो आपको कैसा लग रहा है, तो वो प्रेशर में बंदा बोलेगा हाँ ये तो सही लग रहा है पर उस पर थोड़ा बेटर हो सकता है, तो देन दे काउंटर यू, तो आपस में भिड़ जाते हैं फिर, और इनको तो सही लगा है, मतलब आपको क्या लगा, हम लोग हाँ वी कैन टेक इट डाउन, हम लोग ये नोट डाउन कर सकते हैं फीडबैक, पर बेसिकली सब ऐसे ही सब शादी में हम लोग इतना ही मतलब ऐसे ही रहता है, ये हमारा टेस्ट ना 1% चेंज नहीं होता है, ऐसा होता है। ये आपकी शादी में या आपके दोस्त की शादी में अगर आपने अटेंड किया होगा प्री वेडिंग फूड टेस्टिंग, तो आपके एक्सपीरियंस लिख दो, नहीं तो आपका नंबर लिख दो कोई और कमेंट सेक्शन से, आपकी जिसको शादी करनी है वो आपको कॉन्टेक्ट करेगा अगर आप केटरर हो तो। हाँ तो वही है दोस्तों, बस यही इंडियन वेडिंग का ये गेम हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ, फूड टेस्टिंग काफी इंटरेस्टिंग लगा हमको, तो बाकी सब कुशल मंगल दोस्तों, बंटा है बाय बोलना दोस्तों को। बिल्कुल दोस्तों, इस टेस्टिंग के एपिसोड को लिप स्मैकिंग रिव्यूज देना, अरे और स्प्रेड द लव, ये बंटा है काफी चीकी आदमी है, तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, बार बार यही बोल रहा हूँ, और मिलते हैं अगले एपिसोड में, ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।